अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, आजकल दुनिया में एक फैशन है, बार बार दर्पण में अपना चेहरा देखते रहते हैं। वह तो देखते हैं अपने फीचर्स को और आप देखते हो फ्यूचर को। आपका फीचर्स पर इतना अटेंशन नहीं है, बल्कि हर समय अपने फ्यूचर को ही श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रहता है। तो क्या अपनी तकदीर की तस्वीर को रोज दर्पण में देखते हो? फिर बाबा ने पूछा, किस समय देखते हो? अमृत वेले। अपने को देखने का टाइम निश्चित किया है ना? या चलते फिरते जब भी आता तभी देख लेते? सारे दिन में बार बार ये चेक करना चाहिए कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक ये रूहानियत बढ़ती जा रही है। वह लोग तो लौकिक दृष्टि से अपनी शक्ल में चेहरे की लाली को देखते हैं, और आप सब अपनी अलौकिक तस्वीर में रूहानियत को देखते हो। फिर बाबा ने कहा, जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हैं, आप ऐसे सौभाग्यशाली आत्माएं हो। सिर्फ क्या करो, अपने भाग्य का सिमरण करते रहो। ये सिमरण करते करते एक दिन बाप के सिर का ताज बन ही जाएंगे। सदा इतनी खुशी रहनी चाहिए जो आपकी खुशी को देख देखने वालों के भी गम के बादल, दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम हो सबको जगाने वाले, इसलिए तुम्हें फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना है। लेकिन जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे, तब तक पावरफुल प्लान नहीं बना सकते। अब तक जगाने वालों का ही समय निश्चित नहीं हुआ है, तो जागने वाले भी ऐसा ही सोचते हैं कि अंत में जाग जाएंगे। तो आज से ही अपनी संपूर्णता की डेट को फिक्स करो। ओम शांति। इस वर्ष पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में बेहद की सेवाएं हुई। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया, फिर दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी आगमन हुआ। इसके अलावा और भी अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सेवाओं का छोटा सा रूप देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।